है देश, दिन भर दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर चल रहा है, फिर से बीएल संतोष आ चुके हैं। ये 2022 की तैयारी है या कुछ और, ये आप जानने के लिए हमारी इस रिपोर्ट को आप देखिए। ...2022 के चुनाव में बीजेपी मजबूती के साथ मैदान में उतर सके, इसके लिए अभी से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चाक चौबंद तैयारियां की जा रही हैं। एक बार फिर से यूपी बीजेपी में हलचल मच गई है। सरकार और संगठन की थाह लेने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ के दौरे पर हैं। एक महीने के अंदर ही बीएल संतोष के दो बार दौरे से बीजेपी के नेताओं में बेचैनी बढ़ गई है। इस बार लखनऊ आते ही सबसे पहले बीएल संतोष ने संघ के बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक की। संघ के निराला नगर स्थित सरस्वती कुंज में काफी देर तक बैठकों का दौर चला। बैठक में बीएल संतोष के साथ प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहे। ऐसा माना जा रहा है कि बीएल संतोष ने संघ के पदाधिकारियों से सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया है। संघ के साथ बैठक के बाद में बीएल संतोष ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर भी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मंथन किया। अभी और भी बैठकें होनी हैं, लेकिन जिस तरह से बैठकें हो रही हैं, उससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी बेचैनी है। कार्यकर्ता सोच रहे हैं कि अब आगे क्या कुछ होने वाला है। संगठन में अरविंद शर्मा की धमाकेदार एंट्री के बाद अब ये कयास लग रहे हैं कि क्या सरकार में भी कुछ बदलाव होने वाला है, या फिर ये सिर्फ 2022 के चुनाव के लिए बैठकों का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर लगातार जारी है, ऐसे में संगठन में तमाम फेरबदल भी किए गए हैं। अब कार्यकर्ता इस बात का कयास लगा रहे हैं कि सिर्फ संगठन में ही फेरबदल होगा या चुनाव से पहले सरकार में भी कुछ लोगों को एंट्री मिलेगी। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। यूपी एटीएस ने रुपए, नौकरी और शादी का लालच देकर धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का खुलासा किया है। एटीएस टीम ने सोमवार को गिरोह के दो सदस्य काजी जहांगीर आलम और मोहम्मद उमर गौतम को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। धर्म के धंधे वाले बेनकाब, धर्मांतरण के बड़े खेल का पर्दाफाश, विदेशी फंडिंग से साजिश के खुले तार, गिरोह के निशाने पर थे दिव्यांग और महिलाएं। यूपी एटीएस का बड़ा खुलासा। यूपी एटीएस ने रुपए, नौकरी और शादी का लालच देकर धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का खुलासा किया है। एटीएस टीम ने सोमवार को गिरोह के दो सदस्य काजी जहांगीर आलम और मोहम्मद उमर गौतम को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह पर अब तक 1000 लोगों के धर्मांतरण करके मुस्लिम बनाने का आरोप है। इन्हें आईएसआई और विदेशी फंडिंग भी होती थी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि दोनों आरोपी मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी दिल्ली के जामिया नगर इलाके के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों पर यूपी समेत दूसरे प्रदेशों में भी धर्मांतरण कराने के आरोप हैं। ये लोग गरीब हिंदुओं को अपना निशाना बनाते थे। ये दोनों मौलाना ज्यादातर मूक बधिर और महिलाओं का धर्म परिवर्तन करवाते थे। के विभिन्न गैर मुस्लिम मूक बधिर महिलाओं, बच्चों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों का वृहद स्तर पर सामूहिक धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उमर ने यह बताया पूछताछ में कि उन्होंने अभी तक लगभग 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया है तथा बड़ी संख्या में उनकी मुस्लिमों से शादी कराई गई। इस कार्य हेतु विदेशों से भी फंडिंग की जाती है, जिसका उपयोग धर्मांतरण हेतु किया जाता है। जो दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, उनको संबंधित सक्षम न्यायालय में
हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, इनका आगे भी हम पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी, धर्म परिवर्तन कराने वाले मौलाना गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने दो मौलाना पकड़े। आईएसआई से मिल रही थी फंडिंग। 1000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन, जबरन धर्म परिवर्तन के मिले सबूत। महिलाओं से लेकर बच्चों का बदलाया धर्म। नोएडा में स्कूल के 18 बच्चों का बदलाया धर्म। ये लोग मथुरा, वाराणसी समेत यूपी के कई जिलों में धर्मांतरण करा चुके हैं। इन्होंने खुद कई मूकबधिर महिलाओं का भी धर्म बदलकर शादी कराने की बात कबूल की है। उमर और जहांगीर ने नोएडा में चलाए जा रहे मूकबधिर स्कूल के 1.5 दर्जन बच्चों का भी धर्मांतरण कराया था। लखनऊ में दोनों पर कई धाराओं में केस भी दर्ज किया गया है। जो सेंटर है उसको उमर कंडक्ट करते हैं, और ये जो आप वर्गीस की बात कह रहे हैं कि उसका क्या कनेक्शन है, वर्गीस कन्वर्ट हुआ, ये साउथ का लड़का है और इसकी शादी गाजियाबाद में मुस्लिम लड़की से हुई उसके बाद, और जो उमर है उसने इसको जो सम्मेलन हुआ था उसके अंदर इसको पूरा ट्रेंड किया। उमर ने जो इनका दावा सेंटर है उसके अंतर्गत जो ये एनुअल सम्मेलन करते हैं ऐसे लोगों का, जिसमें कम से कम 250-300 लोग जो नए रिक्रूट होते हैं, इनके खुद के दावे के अनुसार कम से कम इनके द्वारा 250-300 लोग एनुअली किए जाते हैं, मतलब जो इनका अपना असेसमेंट है। तो ये जो 1000 की जो फिगर है ये कंजर्वेटिव है, इससे ज्यादा ही होंगे, 1000 के लगभग तो नाम हमारे पास है। यूपी एटीएस के खुलासे के बाद ये साफ हो गया है कि इनकी जड़ें गहरी हैं, तार दूर तक जुड़े हैं और इनके निशाने पर गरीब हिंदू बच्चे, महिलाएं और दिव्यांग होते थे, जिन्हें ये बड़ी आसानी से पैसे का झांसा देकर अपना उल्लू सीधा कर लेते थे। अब जांच के बाद पूरी कहानी साफ होगी और गिरोह पर और नकेल भी कसेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आज पूरा देश धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। उत्तर प्रदेश में सभी नेता भी घर पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए योग कर रहे हैं। योग से होगा तन मन शुद्ध। करते रहो योग, रहो निरोग। काया को शक्तिशाली बनाए। चलो सब मिलकर के योग दिवस मनाए। शरीर को निरोग रखने में योग का महत्वपूर्ण योगदान है और ये भारत ने ही पूरी दुनिया को बताया है। योग रखे निरोग का संदेश आज अब पूरी दुनिया जानती है। आज की तारीख भी खास है, आज यानी कि 21 जून को पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून की इस तारीख ने पिछले कुछ ही बरस में भारत के साथ ही विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया योग के महत्व। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ मिलकर भारत ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और अब दुनिया को एम योग ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में इसका उपयोग भी किया, और आज अस्पतालों से ऐसी कितनी तस्वीरें आती हैं जहां डॉक्टर्स, नर्सेस मरीजों को योग सिखा रहे हैं, तो कहीं मरीज अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। प्राणायाम, अनुलोम विलोम जैसी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कितनी ताकत मिलती है
ये भी दुनिया के विशेषज्ञ खुद बता रहे हैं। हमें खुद भी योग का संकल्प लेना है और अपनों को भी इस संकल्प से जोड़ना है। योग से सहयोग तक का ये मंत्र हमें एक नए भविष्य का मार्ग दिखाएगा, मानवता को सशक्त करेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में योगाभ्यास किया। उन्होंने कहा, हजारों वर्षों से लाखों करोड़ों लोगों को स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन का वरदान और शरीर एवं मन के संयोजन का साधन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने योग दिवस की बधाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर के उनके मंत्रियों और अधिकारियों ने अपने अपने घरों में योग किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने वीडियो भी ट्वीट किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने एक कॉमन योग प्रोटोकॉल जारी किया है। इसके तहत योग करते हुए लोग अपना फोटो या फिर वीडियो उस पर अपलोड कर सकते हैं, जिसके बाद केंद्र और राज्य सरकार अच्छे योगाभ्यासियों को पुरस्कृत भी करेगी। योग केवल एक आसनों का ही समुच्चय नहीं है, यह अपने आप में एक जीवन पद्धति है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ होने की एक वैज्ञानिक पद्धति। कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए योगा एट होम, हर योग जिज्ञासु योग अपने अपने घरों में करें। अखिलेश यादव ने दी योग दिवस की शुभकामनाएं। सपा प्रमुख ने ट्वीट करते हुए योग दिवस की शुभकामनाओं के साथ मन मानस के योग के संग सामाजिक सौहार्द के योग की कामना भी की है। जवानों का 18,000 फीट की ऊंचाई पर योग। लद्दाख में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 18,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया और अपने साहस का प्रदर्शन किया। योग दिवस को देश और विदेशों में मनाया जा रहा है, जहां आम जनता से लेकर के अधिकारियों मंत्रियों ने अपने अपने घरों में योग किया है और योग से होते लाभ को दुनिया भर में बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। गरीबी, मजबूरी और पेट की खातिर जिंदगी में क्या कुछ नहीं करना पड़ता। कभी कभी जिंदगी को ही दांव पर लगाना पड़ता है। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें झांसी से हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां हर रोज पेट की भूख के कारण जिंदगी और मौत से जूझना पड़ता है। ये उम्र, ये बुढ़ापा, ये लाठी के सहारे चलती जिंदगी, गरीबी की मार और फिर मजबूरी, यही जिंदगी को एक दो दिन नहीं हर रोज मौत से सामना कराती है। पैर लड़खड़ाते हैं, हाथ कांपते हैं, लाठी के सहारे रास्ते पार करते हैं। उम्र और बुढ़ापे ने शरीर से ही नहीं जिंदगी में भी झुका दिया है, लेकिन गरीबी ने हर रोज मौत से सामना करना सिखा दिया है। जी हाँ, लाठी के सहारे चलते ये बुजुर्ग झांसी के बनगुआ गांव के रहने वाले हैं और हर रोज बरुआ सागर में बेतवा नदी की धाराओं में 1, 2, 5 के सिक्के ढूंढते हैं। ऐसे उम्रदराज और लाठी के सहारे बुजुर्ग को तैरते देख करके हर कोई हैरत में पड़ जाता है, लेकिन इनकी मजबूरी आज तक ना तो किसी ऑफिसर के कानों तक पहुंची है और ना ही किसी नेता ने जानना चाहा है। क्यों डूबे रहते हैं? इन पैसा के लाने। क्यों? अरे खर्च के लाने, नहीं खर्च के लाने, बीड़ी तमाऊ तेल पानी सब इसे करने। क्या आपके खेती बाती नहीं है? क्या खेती नहीं है? कैसे काम चलता परिवार का? पर है? कैसे काम चलाता, कैसे काका का, मजदूरी कर ले सब, अब बस की नहीं है, तुम्हारी लोगों ने की मजदूरी कर ले काका। तो कैसे आप डूबते हैं पानी में? है डूब जात कैसे डूबते? पत्थर रखते हैं, पत्थर बांध के डूबते हैं भाई साहब। दरअसल बेतवा नदी के पुल से गुजरने वाले लोग
एक दो और पाँच रुपए के सिक्के धार्मिक आस्था से नदी में फेंकते हैं और ये बुजुर्ग परिवार शरीर में पत्थर बांध करके हर रोज उन चंद सिक्कों के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं। खेती बाड़ी है नन्या, पेंसिल बंदी नन्या, चार पांच बच्चे थे बिनको अपने, हाँ शादी शुदा कर दे, डोकरा को जड़गा हमारा तो कोई नहीं है। खिलाता नहीं बच्चे, अच्छे नहीं खिलाते बच्चे, अब अपने अपने घर की बेटी है लड़की, अपने अपने ससुराल चले गए, लड़का है एक, लड़का ये सही है गो। तो कितना कमा लेती है आप, इतना बिल लेती है आप? मिल जाए 10-20 भाई साहब रुपये बस। हर रोज इतनी कश्मकश करने के बाद किसी को 10 रुपए मिलते हैं तो किसी को 20, और इनका हर दिन यहीं पर खत्म हो जाता है। बुंदेलखंड के हालात आप देख सकते हैं कि यहाँ के बुजुर्ग जो महिलाएं हैं, जो यहाँ के पुरुष हैं, जो बेतवा नदी आप देख सकते हैं, बेतवा नदी में ये लोग पैसे बीनकर हर रोज गुजारा करते हैं। लेकिन प्रधान की बात करें तो इनके प्रधानों ने ना आज तक इनका कोई राशन कार्ड बनाया गया है और ना इनको कोई पेंशन बनाई गई है। ये बुजुर्ग लोग हैं जो काम करने वाले बेचारे दिन भर यहाँ बैठे रहते हैं, जो महिलाएं भी हैं। ये बेतवा नदी झांसी की सबसे बड़ी बेतवा नदी मानी जाती है, इसमें मगरमच्छ भी हैं, अपनी जान पे बाजी लगाकर पैसे हर रोज की तरह बीनते हैं। लेकिन सरकारी की बात अधिकारियों की बात करें तो इनके इन तक कोई भी अधिकारी आज तक नहीं पहुंचा, पूरा कोरोना काल निकल गया है। लेकिन ये लोग बेचारे बुजुर्ग हैं, इनको कोई काम ना कोई कुछ नहीं है, तो लोग अपनी खर्चा चलाने के लिए इस नदी में पैसे बींध के अपना परिवार का खर्चा चलाते हैं। कैमरा पर्सन बेबी के साथ एसएच झा, भारत समाचार, झांसी। उत्तर प्रदेश में नदियों के बढ़े जलस्तर के बाद अब लगातार बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हम आपको यूपी के 3 जिले बिजनौर, बस्ती और अमरोहा की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। भारी बारिश और अब बाढ़ से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इस रिपोर्ट को देखिए आप। कहीं बारिश तो कहीं बाढ़ का खतरा, उफान पर नदियां, गांवों में बाढ़, हर तरफ जलभराव से हुआ बुरा हाल। यूपी के आधे जिलों में बारिश से हाहाकार। हर साल की तरह इस बार भी बिजनौर में बाढ़ ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। पहाड़ों पर हो रही बारिश से लगातार पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार गंगा क्षेत्रों में जुड़े सभी गांवों में निगरानी की जा रही है। कोहरपुर गांव में एसडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर गंगा के उस पार फंसे कुछ लोगों को बचाने के लिए मोटर बोट से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी गंगा क्षेत्रों का समय समय पर दौरा करके लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है। मौजूद हूँ बिजनौर के कोहरपुर इलाके में, जहाँ पर गंगा के बीच में मैं मौजूद हूँ और पीएससी के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कांस्टेबल राजू कुमार है। राजू कुमार जी, किस तरह की दिक्कतें आ रही है? सर दिक्कतें ये है कि इस पर पानी बहुत ज्यादा बहाव है और लहरें उठ रही है। कोहरपुर गाँव है, यहाँ बाढ़ का खतरा ज्यादा है, काफी गंगा में जल बढ़ गया है। इधर गांव वाले काफी लोग उधर परली पार खेती करते हैं, जो टापुओं के बीच में फंस गए थे, दोनों धाराओं के बीच में। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिजनौर के निर्देशानुसार यहां रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। पीएसी की टीम और एसडीआरएफ की टीम जो है काफी काम कर रही है। बस्ती जिले में बढ़ते घाघरा के जलस्तर से अब ग्रामीण दहशत में है। बेमौसम हुई बारिश के चलते अब घाघरा नदी के किनारे बसे गांवों को बचाने के लिए प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं, लेकिन जो काम किए जा रहे हैं वो कहीं न कहीं ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं। पिछली बार आई आफत की बाढ़ में चांदपुर कटारिया का ठोकर नंबर 1 का आगे का हिस्सा भी नदी की धारा को रोक नहीं पाया और पानी में बह गया, जिस पर अब भी काम जारी है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं चांदपुर कटरिया गांव के ठोकर नंबर 1 पे। ये बहुत महत्वपूर्ण ठोकर है। हाल ही में मुख्यमंत्री जी जब यहां आए थे तो उनके द्वारा इसका निरीक्षण भी किया गया था और यहां के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे यहां काम तो किया जा रहा है, लेकिन कामों में शिथिलता ये भी देखी जा रही है, क्योंकि मानसून आने से पहले ही
पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि बरसाती पानी जो लगातार नदियों में आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं घाघरा का जलस्तर बढ़ा है, लोगों के लिए समस्याएं बढ़ रही हैं। अगर पिछले साल की बात करें तो यही वो ठोकर नंबर एक है जहां का आगे का जो हिस्सा था वो बह गया था नदी की धारा में, और कहीं ना कहीं जो यहाँ बाढ़ को रोकने के लिए बल्ली पाइलिंग की भी व्यवस्था की गई है, लगभग दर्जनों बल्ली पाइलिंग लगाई गई हैं जिनके बीचों में पेड़ों को डालकर भी कटान को रोकने का प्रयास किया। अमरोहा में पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से धनोरा तहसील के खादर क्षेत्र के गांव के लिए आफत बन गई है। जल स्तर बढ़ने से गंगा और राम गंगा पोषक नहर उफान पर है। खेतों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बिजनौर बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी और छोड़ा गया जिसके बाद जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे ग्रामीणों में अब दहशत का माहौल है। प्रशासनिक अधिकारी गांव की निगरानी में जुटे हैं। बिजनौर बैराज पर पानी ओवरफ्लो चल रहा है, यही वजह है कि वहां से रोजाना भारी मात्रा में पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। 20-22 गांव हैं और बाढ़ बहुत तेजी पे है, तो पुल भी टूट गया, टीप से उतर रहा है, कोई नाव से साधन कर। ये पुल कहां पर था? पुल ये जो रोड आया घरौले से सीधा। अच्छा, तो वो मतलब उस पुल पे होकर जाते थे पहले जी। अब वो पुल कब टूटा? पुल अभी 5-7 दिन हुए इस बांध से पानी से पहले टूटा। कितने गांव हैं जो गंगा पार हैं? इधर 20-22 गांव पड़े। 20-22 गांव। राशन क्या अभी तो ये मान लो किसान आदमी सब अपने रखे हैं थोड़ा बहुत, पर परेशानी तो है ही आने जाने की भी, बाजारों की भी। लगातार हो रही बारिश के बाद बिजनौर बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद तिगरी और ब्रजघाट का गंगा जल स्तर बढ़ने लगा है। खादर क्षेत्र में रह रहे किसानों को उनकी फसल नष्ट होने की आशंका है। वहीं क्षेत्र में बाढ़ की आशंका भी जताई जा रही है, जिससे किसान दहशत में हैं। उत्तर प्रदेश के आधे जिले बारिश की मार से परेशान हैं। बारिश ने लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत तो दी है, लेकिन अब भारी बारिश ने गांव में तांडव मचाना शुरू कर दिया है। गांव के किनारे से गुजर रही नदियां उफान पर हैं, जिससे लोग पलायन करने को भी मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। देखिए मार्केट पे कई तरह